दोस्तों तो आज हम बात करेंगे फेसबुक का स्टार सेटअप कैसे करें। तो आज हम सबसे पहले अपना फेसबुक ओपन कर लीजिए। तो मैं फेसबुक ओपन कर लेता हूँ, आप मेरा स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो दोस्तों अपने प्रोफाइल पर आप क्लिक कर लीजिए, मैं मार्क कर देता हूँ। तो आप इस प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए। तो प्रोफाइल पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ सी डैशबोर्ड दिया होगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल कीजिए, हल्का सा यहाँ मोनेटाइजेशन ऑप्शन दिया, इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद एक पेज लोडिंग होकर आएगा जो अकाउंट, इस पर क्लिक कीजिए आप। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट आपका पेज खुल कर आएगा, वहाँ अपना फर्स्ट नेम जो आप जो इसमें बैंक अकाउंट नंबर जो डालने वाले हैं उसमें जो अकाउंट नंबर आपका जो है उसमें जो नाम है वो अपना नाम पूरा फिल करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो और डेट ऑफ बर्थ भी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंट्री अपना इंडिया, इंडिया से है तो इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर दाब दीजिए। अब पेज लोडिंग होगा, सेकंड पेज लोडिंग होने के बाद बहुत सिंपल सी है, फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये कंट्री पूछ रहा है, इंडिया अपना सेलेक्ट कर लीजिए। और बिजनेस टाइप पूछ रहा था, आप देख सकते हैं जो फर्स्ट नंबर पर दिया है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट का जो बटन दिया है उस पर नेक्स्ट दाब दीजिए, तो अगला पेज लोड होकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट नेम मांग रहा था, मैं फर्स्ट नेम जो डाला था वो डाल दिया हूँ। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ मिडिल नेम है, तो आप मिडिल नेम डालिए, और नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। तो मेरा मिडिल नेम नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ प्राइवेसी एड्रेस मांग रहा है, और एड्रेस आपको आधार कार्ड में जो आपके है उसको सही सही इसमें फिलअप कीजिए। और सिटी और अपना कंट्री वगैरह, इसमें फ़ोन नंबर ईमेल आईडी अपना दे सकते हैं। और यहाँ भी तो उसके बाद तो मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो एड्रेस है हम फिल कर दिए हैं। तो आप यहां देख सकते हैं बैंक ट्रांसफ़र, मतलब आपको $25 होगा तो एक से दो दिन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैं इस पर टिक कर लेता हूं। उसके बाद लोडिंग ले रहा है मेरा पेज, आप देख सकते हैं यहां कंट्री सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो मैं कंट्री सेलेक्ट कर लिया, बैंक NR मैं फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, NIR मिडिल नेम नहीं है हमारा। तो यहाँ IFC कोड मांग रहा है और बैंक नंबर मांग रहा था, आप यहाँ डालिए IFC जो कोड होगा आप फिलअप कर लीजिए। आप देख सकते हैं मेरा जो फॉर्म मैं भर दिया, फिलअप कर लिया हूँ। मेरा नेक्स्ट जो आप टैक्स वेरीफाई जो है, अब इसको आप फॉर्म भरना है टैक्स जो वेरीफाई करके है, तो यहाँ एड टैक्स इन्फो कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से आप फिलअप कर लीजिए। उसके बाद लास्ट स्टेप है ये अपना, इसके होने के बाद आपका जो स्टार सेटअप है वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ लिख रहा है कंटिन्यू आस्क DK, तो मैं कंटिन्यू रखता हूँ। पूछ रहा है आप US में रहते हैं क्या, तो आप नो कर दीजिए, दोनों में नो करके भर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट करते ही आपको यहाँ आपका, तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें इंडिया सेलेक्ट करने के बाद इंडिया मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया। उसके बाद अपना ये है गया, नेक्स्ट कीजिए, और यहाँ आप 0% पर ओके करके नेक्स्ट कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ टिक मार लीजिए। उसके बाद यहाँ पूरा फुल नेम अपना डाल दीजिए जो डाले हुए हैं, मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आप नेक्स्ट पर दाब दीजिए। आप देख सकते हैं जो आप फॉर्म सबमिट किए हैं उसका पूरा यहाँ आ चुका है। आप चाहे तो इसको फॉर्म सबमिट फॉर्म करके डाउनलोड कर सकते हैं, या PDF में अपने पास मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मेरा योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कम्प्लीट, तो मेरा कम्प्लीट हो गया है। और यहाँ आप चाहे तो व्यू PDF करके और या तो डाउन कर सकते हैं। तो मेरा जो था वो कम्प्लीट हो चुका है। देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन करके रखिए, ताकि मैं फेसबुक या यूट्यूब का इन्फॉर्मेशन दूँ। तो आप ऐसी वीडियो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे जल्द से जल्द पहुँचे। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।